देश और अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप एएनवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुग्राम की पुलिस की गिरफ्त में आए एक ऐसा शख्स जो पेशे से तो मॉडल है और साथ ही चेहरे से मासूम है। इसकी मासूमियत देख हर कोई ये नहीं कह सकता कि यह आरोपी है। साइबर सिटी की सड़कों पर आवारागर्दी कर सकता है। इससे पहले कि आपको पूरा माजरा बताएं, जरा चश्मदीद बुजुर्ग महिला का बयान सुनिए। बैठा था, वहाँ बहू भी बैठी थी। मैं तो गई दो मैं तो गई दो और मैं वहाँ से बैठ गए। तू वहाँ उठन लगी, ये नू बोल भाई खड़ी हो जो समझते हम खड़ा होने लग गया। और पहले तो मैं उठी, फिर वहाँ बहू आई, बहू के नू एक नू किराए के लात इस अंग्रेज ने लात मारी उसको। नहीं मारी तोड़ के। आप बैठे थे यहाँ? आप बैठे थे यहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा। हम तो रोज घूमा रोज बैठा रहा भाई, फिर गांव का आ गया, फिर ये भाई हरा आ गया मोटरसाइकिल का, ऐसी लात मारी मारी फेंक। क्या वारंटी वाली मोटरसाइकिल लात मारी? और बता रहे हैं वहाँ पत्थर भी मार रहा था गाड़ी वालों को, हैं गाड़ी वो उठा उठा के पत्थर मार रहा था गेट का। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मेडिकल करवा गए इसका जो है दे देंगे। रविवार को गुरुग्राम के डीटी मेगा मॉल के बाहर एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक शख्स शराब के नशे में उत्पात मचा रहा था। कभी वह गाड़ियों पर पत्थर मार रहा था तो कभी मॉल में बदतमीजी कर रहा था। इतना ही नहीं, सड़क पर आने जाने वाले से गाली गलौज भी कर रहा था। ये सब देखकर वहां खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने विरोध जताया तो आरोपी ने उनसे बदतमीजी की। इतना सब होने के बाद विदेशी युवक की करतूतों की शिकायत गुरुग्राम पुलिस कंट्रोल रूम में दे दी गई। शिकायत के बाद पुलिस ने तो आरोपी को शांति भंग करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। वहीं हम आपको बता दें कि पुलिस ने अब उसे जमानत पर भी छोड़ दिया है। लगभग 10-11 बजे शराब पीकर के घूम रहा था, जो एक 100 नंबर पर कॉल आई थी, जिस आधार पर डीएलएफ फेस 1 पुलिस स्टेशन द्वारा इसको अरेस्ट किया गया है 107-151 शांति भंग करने की धारा में, और इसको आज जो डीसीपी साहब हेडक्वार्टर हैं उनके सामने पेश किया जाएगा और इस पर कानूनी कार्रवाई की गई है। इसका मेडिकल सिविल हॉस्पिटल द्वारा करवाया गया है जिसमें इसके अल्कोहल की पुष्टि हुई है। शुरुआती पूछताछ के मुताबिक आरोपी एस्टोनिया का रहने वाला है और भारत में एक एंड कंपनी के साथ काम कर रहा है। पुलिस ने आरोपी की वीजा और पासपोर्ट दोनों खंगाले हैं जो सही पाए गए हैं। वीजा और पासपोर्ट अब जो एक बार प्राइमरी स्टेज पर चेक करवा लिए गए हैं जो वैलिड हैं, 17/12/2018 तक वैलिड हैं, और ये यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है उसमें काम कर रहा था और इसको अरेस्ट किया।